चल भाई दम लगा दो, दम लगा दो यार, दम लगा दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह शाबाश। 20 मिनट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ एक कैंडिडेट है जो कि अभी फिलहाल अगले बार भी दिए थे ये फिजिकल, कुछ कारण के वजह से वो नहीं हो पाया था। तो भाई से पूछते हैं कि बोकारो का जो देख लीजिए, अभी जो यहाँ पर है, यहाँ से आप लोग रनिंग स्टार्ट होता है, 2.5 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है और 2.5 किलोमीटर आना पड़ता है उधर से टोकन लेने के बाद। तो भाई से चलिए पूछते हैं कि आखिर आप लोग किस तरह से यहाँ पर जो रोड है, किस तरह से रनिंग करने से आसानी से निकल जाएगा। भाई का अभी फिलहाल अभी टाइमिंग यहाँ पर 20 मिनट लग रहा है। तो भाई किस तरह से वो रनिंग कर रहे हैं और क्या टेक्निक लगा रहे हैं, थोड़ा सा भाई से पूछते हैं। तो भाई सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रिंस कुमार दुबे है। और ये एक्चुअल में ये जो ट्रैक है 5 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर जाना है और 2.5 किलोमीटर वापस आना है। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर स्टार्टिंग में तो सबसे पहले स्टेप पे ही चलना पड़ेगा आपको। और स्टेप पे चलते चलते 1.5 किलोमीटर के बाद एक करीब एक मंदिर आता है, वहाँ पे थोड़ा सा एलिवेटर है, थोड़ा सा चढ़ान, मतलब चढ़ान टाइप है। तो वहाँ पे आपको स्टेप स्लो करके वो चढ़ान चढ़ लेना, उसके बाद फिर से वापस स्टेप पे चलना और 2.5 किलोमीटर पूरे स्टेप पे जाना सबसे पहले। तो 2.5 किलोमीटर पे अगर आप स्टेप पे चल लेते हैं तो आपके पास काफ़ी एनर्जी बचती है जो कि लास्ट में आप स्प्रिंट में यूज़ कर सकते हो उसको। मतलब देखिए, इधर से जाते टाइम टर्निंग में वहाँ पर थोड़ा सा स्पीड, यहाँ से जब से स्टार्ट करेंगे सब लोग तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पीड लेना या नॉर्मल टाइप से रनिंग करना? नहीं नहीं, लोग तो स्पीड भागते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है या जो कभी दौड़े नहीं है। वो ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग से स्पीड ले लेते हैं अपना कि मेरे को लीड बना के चलना है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये 5 किलोमीटर का रनिंग है तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कट ही जाता है इंसान, 2.5 किलोमीटर जाते 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 उसका असली ताकत पता चल जाता है तो वो कट ही जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ से स्टार्ट मतलब स्पीड में लेना नहीं चाहिए, सबसे पहले बॉडी को वार्म होना चाहिए। तो स्टेप पे चलना है सबसे बड़ा बात है, 2.5 किलोमीटर स्टेप पे चल लिया तो बॉडी ऑटोमेटिक वार्म अप हो जाता है बॉडी का, तो वो स्टेप खुलने लगता है, फिर आपको स्प्रिंट मार लेना। तो भाई आपका तो 20 मिनट अभी फिलहाल टाइमिंग जा रहा है, तो आप एक चीज़ बता दीजिए, जो अभी कैंडिडेट अभी फिलहाल कितना दिन, अभी 2-4 दिन बाकी है अभी फिलहाल अभी, तो वो क्या चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा करे ताकि उसका रनिंग थोड़ा सा हो जाए? सबसे बड़ा चीज़ है कि आप रनिंग को कितना ज़्यादा टाइम दिए। सबसे ज़्यादा बड़ा बात है कि आप रनिंग को कितना ज़्यादा टाइम दिए। अगर आपको, आप वेट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड आएगा, फिजिकल डेट आएगा, सेंटर लिस्ट आएगा, उसके बाद दौड़ेंगे, तो ये तो मुश्किल है। लेकिन जो 4-5 दिन बचा है, 4-5 दिन में बस मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जान फूंक देना, चाहे कुछ भी हो। 24 मिनट में लाइफ चेंज कर दे सकते, 24 मिनट, ये 24 मिनट ही है जो अगर 24 मिनट दौड़ लिए, तो ये 24 मिनट दौड़ लिए तो आगे का 24 साल समझ जाइए, 24 साल तो एकदम मतलब मस्त मस्त कटने वाला है जिंदगी, कोई टेंशन लेना नहीं होगी। तो ये 24 मिनट ही कुछ दौड़ना है, ये दौड़ने में इंसान एक्चुअल में कोई मरता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जान फूकता नहीं है उसमें, तो मरता तो है नहीं। वो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी होता है कि जब रनिंग करते हैं तब ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक वो सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ड्रिंक डिपेंड करता है कि, सबसे बड़ा बात है कि ड्रिंक और एंड्रेलिन बूस्टर बहुत टाइप का चीज़ है। तो ड्रिंक में भी अगर आप जैसे रेडबुल जैसा एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, स्टिंग लेते हैं या नॉर्मल प्री वर्कआउट लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बूस्टर लेते हैं, मतलब एंड्योरेंस बढ़ाने वाला एंड्रेलिन लेते हैं, जैसे A14 आता है, बहुत सारा ऐसा जो भी है, मतलब वो तो बोलना नहीं चाहिए उसका नाम, वो इलीगल वैसे भी, तो वो लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे उसमें आपका जान जाने का भी चांस बन जाता है कि अगर आप आपका बॉडी संभाल नहीं पाता। बुखार में भी अगली बार बहुत सारे लोग उसको पी पा के आ रहे हैं, तो उसे गिर जा रहे थे ना। वो तो मैंने भी देखा था कि यहाँ करीब 10 मीटर पहले ही गिर जाते थे, 10 मीटर तक पूरा नहीं कर पाते थे। आपका क्या फायदा 10 मीटर, मतलब 17 मिनट में पूरा कर लिए और 10 मीटर चल ही नहीं पा रहे हैं, फिर पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, उसका फायदा नहीं लिए फायदा तो। अच्छा, तो एक चीज़ आप बता दीजिए कि टोकन कितना मिनट में ले लेने से सही रहता? टोकन 12 मिनट में भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 मिनट आपके पास 12 मिनट में ले लेते हैं, लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उधर से पेस मेंटेन करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया है अगर आप टोकन ले लेते हैं 11 मिनट तक तो सबसे बेटर है, क्योंकि आने में आप थोड़ा सा आप रेस्ट भी कर सकते हैं उसमें, तो 11 मिनट तक टोकन ले लेना चाहिए। 11 से 12 ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 11 से 12 के बीच में, जैसे 11:43, 11:40 समथिंग ऐसा में ले लिए टोकन तो बहुत अच्छा। इधर से जाते टाइम मतलब थोड़ा सा चढ़ा ना? हाँ बस थोड़ा सा, एकदम एकदम लिटिल बिट है, मेरे अकॉर्डिंग वही 83-85 मीटर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी आपको स्टेप पे चलना है बस, सही है यार, ट्रैक बोकारो का एक नंबर ट्रैक। ऐसा कोई आप लोग, बहुत सारा ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो अभी फिलहाल अभी टाइमिंग दिया है 2-4 दिन, हाँ अभी 4 दिन बचा हुआ, तो इसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, 15 दिन अभी ट्रैक नहीं किए हैं, तो क्या वो क्या करें? नहीं नहीं ऐसा, ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है,
आप एक दिन भी तैयारी नहीं किए हैं और आपका एक नंबर भी जाता है तो आपको जाना चाहिए। आपको क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ देना चाहिए आपको फिजिकल देना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है ये अचीवमेंट है, आपको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ से। और बोकारो का रोड बता दे भाई, बोकारो का बता दे रहे आप लोग का, जैसे धनबाद और हजारीबाग वो सब सारा जगह से बेटर इस जगह पे है, क्योंकि आपको सीधा बस जाना हल्का सा चढ़ाट है, उसके बाद आपको उधर से आते टाइम अगर आपको एनर्जी बचा लिए तो आपको टाइम एकदम खींचने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बोकारो का ट्रैक मैं जहाँ जहाँ भी दौड़ा हूँ, मैं हजारीबाग पिछले बार दौड़ा था तो वहाँ से तो हजार गुना बहुत बहुत अच्छा ट्रैक है यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे फिनिशिंग पे आपको एडवांटेज, बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट आपको क्लियर दिखता है 400 मीटर पे कि फिनिशिंग पॉइंट वहाँ पे है, और आप उसको इजीली मतलब यहाँ पे क्लाइंब तो करना नहीं है, चढ़ाना है नहीं फिनिशिंग पॉइंट पे, आपको स्टेप बहुत मस्त खुलेगा, आपको बस वहीं पे जान झोंक देना जो भी है 200-400 मीटर। आप तो हजारीबाग का दे चुके हैं तो मेरू कैंप में कैसा अंदर में आप लोग रनिंग का ट्रैक वहाँ पे? वो थोड़ा यहाँ से जैसे ये रोड है 2 लेन का, तो ये 2 लेन का वहाँ पे एक लेन भी नहीं है, एक लेन भी मुश्किल से है, मतलब वहाँ पे बस बाइक नॉर्मल से चल सकता है, ऑटो वैसा टाइप रोड है, जैसे गाँव का एक रोड होता है ना वैसा टाइप रोड है, और वहाँ पे सीधे जाना होता है, वहाँ पे कोई टोकन वोकन लेने का कोई सीन नहीं है, बस 5 किलोमीटर सीधे भागना होता है वहाँ पे। तो वहाँ के ट्रैक के अकॉर्डिंग यहाँ का ट्रैक मतलब 100 टाइम्स बेटर है, 1000 टाइम्स बेटर है यहाँ पे। आपका यहाँ पे 20 मिनट लग रहा है ना? हाँ, यहाँ पे 20 मिनट लगा था और पिछले बार वहाँ पे लगा था 18 मिनट 37 सेकंड। मतलब वहाँ पर भी आप लोग लगता है पहला ही नंबर में थे क्या? नहीं, सेकंड रैंक सेकंड ना। तो चलिए, आने वाला कैंडिडेट को आप लोग को मालूम चल गया कि किस तरह से ट्रैक है, तो देखिए आप लोग ज़्यादा ऐसा नर्वस मत होइए, और अपना अभी अगर लगातार अगर रोड में आप लोग अगर कर रहे हैं तो 1-2 दिन अभी बीच में गैप देना ही चाहिए। हाँ, ये नी पेन हो जाता है इससे, आप कंटिन्यू जैसे ऐसा नहीं है कि दोनों टाइम रोड पे ही जाइए, लेकिन दौड़ने से पहले जैसे कि कोई अपना पहले तो वार्म अप कर लो, फिर दौड़ने के बाद कूल डाउन कर लो, उसके बाद स्ट्रेचिंग करके उसके बाद ही जाओ, ऐसे फिर पेन वेन हो गया तो फिर फायदा नहीं है जाने का। चलिए भाई, तो अगले बार निकाल लेता हूँ, अगले बार किस कारण से मैं पासिंग सर्टिफिकेट लेके नहीं गया था, डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया था। अरे, तो एक टाइम नहीं मिला था, एक दिन का मिला था एक्सटेंशन, बट मेरे को बैकडेट में डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।